राधे राधे दोस्तों, मैं विवेका गोयल आप सभी का स्वागत करती हूँ माय रिद्धि सिद्धि चैनल में। धर्म और ज्योतिष से जुड़ी ज्ञानवर्धक और रोचक बातें जानने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि जानकारी से भरपूर हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। आज हम आपको जया एकादशी की पौराणिक कथा बता रहे हैं। एक बार देवताओं के राजा इंद्र नंदन वन में भ्रमण कर रहे थे। चारों तरफ किसी उत्सव का सा माहौल था। गांधर्व गा रहे थे और गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थी। वही पुष्पवती नामक गंधर्व कन्या ने माल्यवान नामक गंधर्व को देखा और उस पर आसक्त होकर अपने हाव भाव से उसे रिझाने का प्रयास करने लगी। माल्यवान भी उस गंधर्व कन्या पर आसक्त होकर अपने गायन का सुर ताल भूल गया। से संगीत की लय टूट गई और संगीत का सारा आनंद बिगड़ गया। सभा में उपस्थित देवगणों को यह बहुत बुरा लगा। यह देखकर देवेंद्र भी रुष्ट हो गए। संगीत एक पवित्र साधना है, इस साधना को भ्रष्ट करना पाप है। अतः क्रोधवश इंद्र ने पुष्पवती तथा माल्यवान को श्राप दे दिया। संगीत की साधना को अपवित्र करने वाले माल्यवान और पुष्पवती, तुमने देवी सरस्वती का घोर अपमान किया है, अतः तुम्हें मृत्यु लोक में जाना होगा। गुरुजनों की सभा में असंयम और लज्जाजनक प्रदर्शन करके तुमने गुरुजनों का भी अपमान किया है, इसीलिए इंद्रलोक में तुम्हारा रहना अब वर्जित है। अब तुम अधम पिशाच असंयमी का सा जीवन बिताओगे। देवेंद्र का शाप सुनकर वे अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर पिशाच योनि में दुख पूर्वक जीवन यापन करने लगे। उन्हें गंध रस स्पर्श आदि का तनिक भी बोध नहीं था। वहीं उन्हें असहनीय दुख सहने पड़ रहे थे। रात दिन में उन्हें एक क्षण के लिए भी नींद नहीं आती थी। उस स्थान का वातावरण अत्यंत शीतल था, जिसके कारण उनके रोए खड़े हो जाते थे, हाथ पैर सुन पड़ जाते थे और दांत बजने लगते थे। एक दिन उस पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, न मालूम हमने पिछले जन्म में कौन से पाप किए हैं जिसके कारण हमें इतनी दुखदायी यह पिशाच योनि प्राप्त हुई है। पिशाच योनि से नरक के दुख सहना कहीं ज्यादा उत्तम है। इसी प्रकार के अनेक विचारों को कहते हुए अपने दिन व्यतीत करने लगे। भगवान की कृपा से एक बार माघ के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी के दिन इन दोनों ने कुछ भी भोजन नहीं किया और न ही कोई पाप कर्म किया। उस दिन मात्र फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया और महान दुख के साथ पीपल के वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। उस दिन सूर्य भगवान अस्ताचल को जा रहे थे। वह रात इन दोनों ने एक दूसरे से सत्कर बड़ी कठिनता से काटी। दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही प्रभु की कृपा से इनकी पिशाच योनि से मुक्ति हो गई और पुनः अपनी अत्यंत सुंदर अप्सरा और गंधर्व की देह धारण करके तथा सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत होकर दोनों स्वर्गलोक को चले गए। उस समय आकाश में देवगण तथा गंधर्व इनकी स्तुति करने लगे। इंद्रलोक में जाकर इन दोनों ने देवेंद्र को दंडवत किया। देवेंद्र को भी उन्हें उनके रूप में देखकर महान विस्मय हुआ और उन्होंने पूछा, तुम्हें पिशाच योनि से किस प्रकार मुक्ति मिली, उसका पूरा वृतांत मुझे सुनाओ। देवेंद्र की बात सुनकर माल्यवान ने कहा, हे देवताओं के राजा इंद्र, श्री हरि की कृपा तथा जया एकादशी के व्रत के पुण्य से हमें पिशाच योनि से मुक्ति मिली है। इंद्र ने कहा, हे माल्यवान, एकादशी व्रत करने से तथा भगवान श्री हरि की कृपा से तुम लोग पिशाच योनि को छोड़कर पवित्र हो गए हो, इसीलिए हम लोगों के लिए भी वंदनीय हो गए हो, क्योंकि शिव तथा विष्णु भक्त हम देवताओं के वंदना करने योग्य हैं। अतः आप दोनों धन्य हैं। अब आप प्रसन्नता पूर्वक देवलोक में निवास कर सकते हैं। यदि आप जया एकादशी की सही पूजन विधि जानना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। आशा है आप सभी को यह जानकारी पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि सभी लोग इसका फायदा उठा सके। साथ ही कमेंट करना ना भूलें। इसी के साथ मैं विवेका गोयल आप सभी से विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। राधे राधे।